हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम। क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास। लेट एन बी अ 10 डिजिट नंबर वेयर ए बी आर डिजिट्स। इफ एन इज डिविजिबल बाय 9 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, आपको ये बोला गया है एक एन नंबर है जो 10 डिजिट है और जहाँ पे ए और बी आर डिजिट, ए और बी भी उसके डिजिट हैं। If n is divisible by 9, if का मतलब n जो है वो divisible है यहाँ पे 9 से, then which statement is correct? तो हमारे पास n जो number है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a और b, ठीक है। अब ये बोला गया 10 digit number है, a b भी उसके digits हैं, ठीक है। अगर वो n जो है वो 10 से divisible है तो divisible कैसे, इसकी property ये है sum of डिजिट्स। अगर आप सम ऑफ डिजिट चेक करते हैं तो 1+2+3+4+5+6+7+8 तो ये आ जाता है आपके पास 36, ठीक है। तो ये क्या है, ये डिविजिबल है किससे, डिविजिबल है 9 से, डिविजिबल बाय 9, ठीक है। अब ए और बी, अगर ए और बी इसी के नंबर हैं वो भी क्या हैं, इज डिविजिबल बाय 9, वो भी 9 से डिविजिबल होंगे, तो मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसकी क्या है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ओके, तो अब आपने सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बताना है। वहाँ पे ये बोला गया है इफ़ ए ऑड है देन बी इज़ ऑड। तो हमारे पास अगर हम देखें सेकंड स्टेटमेंट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे ए एंड बी मस्ट बी, ए ऑड होना चाहिए, ए मस्ट बी वन नंबर जो है, वन नंबर इज ऑड एंड अदर नंबर इज इवन, ठीक है। मतलब एक ऑड होना चाहिए यहाँ पे, एक इवन। कैसे, एग्जांपल 8 और 1 हो गए जैसे आपके पास, ये आपके पास पहले मैंने इवन ले लिया, तो ऑड इवन कोई भी हो सकता है, 1, 8 ले लो, ठीक है। फिर आपके पास 4, 5 ले लो, इस तरह से नंबर 3, 6 ले लो, क्लियर है बेटा। 9, 0 ले लो, 0 इवन में आता है, इस तरह से नंबर होने चाहिए, तो तभी वो क्या है हमारे पास, वो स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है। बट यहाँ पे ए ऑड बी ऑड दिया है तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ये आपके पास इनकोरेक्ट होगी, सेकंड स्टेटमेंट आपके पास क्या होगी, इनकोरेक्ट। तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन जो आया 1 ओनली, तो हमारी ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट ही ट्रू है इसमें, ठीक है।